हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीदें अच्छी होंगे। तो दोस्तों, आज बनाते हैं पंजाबी स्टाइल में न्यूट्री पुलाव। तो ये मैंने सोयाबीन की बड़ी है, आधा घंटा पहले भिगा के रख दी थी, और अब इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। और साथ ही मैंने आधा घंटा पहले ही 2 कटोरी राइस भी भिगा के रखा हुआ है। तो चलिए पहले सोया बड़ी को अच्छे से निकाल लेते हैं। और ये मैंने गर्म पानी में भिगाई थी। इस सारी बड़ी को हम पहले अच्छे से निचोड़ के अलग रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारी बड़ियाँ मैंने अच्छे से निचोड़ ली हैं। अब रखते हैं गैस की कढ़ाई, और इसमें डालते हैं ऑयल, और 3 चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें। और इसको थोड़ा हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑयल हल्का सा हमारा गर्म हो गया। अब इस ऑयल को ना हम चारों तरफ फैला लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम बड़ी डालेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। और अब इसमें हम डाल देते हैं बढ़िया, और इसको पिंक होने तक फ्राई कर लेते हैं। और इसको तब तक फ्राई करना जब तक कि इसका कलर रेड नहीं हो जाता। ज़्यादा जलाएंगे नहीं, लेकिन कलर इसका थोड़ा अच्छा सा रेड आना चाहिए। इसको तब तक हम इसमें भून लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, बढ़िया हमारी अच्छे से भून चुकी हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। भून बड़ियों को इसलिए भूना है ताकि इसका जो टेस्ट ना वो अच्छा आएगा, इसमें क्रंची टाइप का आएगा। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। सारी बड़ियां निकाल लेते हैं, और फिर वापस से इसी कढ़ाई में हम और तेल डाल देंगे। बढ़िया मैंने सारी निकाल ली हैं, वापस से इसमें तेल डाल देते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा जीरा। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची और 1 तेज पत्ता। और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ लौंग और काली मिर्ची। इसको मैंने कूट लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और प्याज हमने एकदम लाल करना है प्याज को, तभी लौ का टेस्ट आएगा। तो इसको हम जब तक ये लाल होता है तब तक हम इसको भून लेते हैं। किसी किसी को ना खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए जो खड़े मसाले हमने डाला वो हम बाद में निकाल सकते हैं। और लौंग और काली मिर्ची को इसीलिए इसमें कूट के डाला ताकि वो मुंह में नहीं आएंगे। और इसको अच्छे से भूनने देते हैं।
तो फ्रेंड जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं तब तक हम ये दो टमाटर हैं, तीन हरी मिर्ची है, थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा अदरक है, इसको पीस के लेकर आ जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है, वो डाल देते हैं इसमें और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और अभी हम इसमें डाल देते हैं नमक। पहले हम थोड़ा कम डालेंगे, उसके बाद बाद में डालेंगे। अभी हम इसमें डालें ताकि हमने अभी जो टमाटर डाले ना वो नमक डालने से अच्छे जल्दी से पक जाते हैं। तो अब इसको अच्छे से भूनने देते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं थोड़ा मीडियम पे, ताकि हमारे जो ये है टमाटर की अच्छे से पक जाए और जले भी नहीं। तो फ्रेंड्स टमाटर हमारे थोड़े थोड़े पकने लगे हैं। अब इसे हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा थोड़ा सा ही धनिया पाउडर। और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, हम पुलाव बना रहे हैं। तो इसे जो धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर है वो थोड़ा कम ही डलेगा। और अब इसको अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। देखिए फ्रेंड मसाले भून चुके हैं और ऑयल भी छोड़ दिया है मसाले ने। तो देखिए ऑयल छोड़ दिया ये देखिए। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने बढ़िया भून के रखी थी, इसमें सबसे पहले डाल देते हैं और इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बढ़िया अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो मैंने जिस कटोरी से चावल नापे हैं उस कटोरी से मैंने इसमें डाला है 4.5 कटोरी पानी, क्योंकि मैंने 2 कटोरी चावल लिया है और आधा कटोरी एक्स्ट्रा इसलिए डाला है बड़ियों के लिए, क्योंकि बड़ियाँ भी पकेंगी ना पानी में, इसलिए कम नहीं पड़ना चाहिए। और अब इसको हल्का सा बॉयल होने देते हैं। और अब हम इसमें ना नमक टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार बन गया पुलाव तो फिर ऊपर से डलेगा नहीं, इसलिए पहले ही टेस्ट कर लेते हैं। नमक मुझे कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा बॉयल होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पानी में बॉयल आ गया है
अब हमने जो चावल भिगा के रखे थे वो इसमें हम डाल देते हैं। और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देते हैं। अब इसको तब तक पकाना जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं जाता। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका पानी पूरी अच्छे तरीके से सूख चुका है। अब हम इसको सिम गैस पे पकाएंगे और इसके नीचे तवा रख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे एक फॉइल पेपर और इसको अच्छे से ढक देंगे। और अब हम इसको पकाएंगे 10 मिनट तक सिम गैस पे, वो भी हमने तवा रखा है ताकि हमारा जो पुलाव है नीचे से जले नहीं। तो चलिए, जब तक हमारा पुलाव बन रहा है तब तक हम यहाँ पे रायता बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए प्याज और साथ में थोड़े डाल देंगे टमाटर। इसको मिक्स कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे भुना जीरा और थोड़ा ही डालेंगे पुदीने का पाउडर अगर आपके पास है तो, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा पुलाव के साथ के लिए रायता भी तैयार है। अब इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो फ्रेंड देखिए, 15 मिनट हो गए इसको सिम गैस पे पकते हुए और अब हम इसको हटा के देखते हैं। ये ऊपर का जो कवर है इसको हम अच्छे से उठा देंगे। ये देखिए, इतना बढ़िया खिला खिला पुलाव बना है। देखिए चले, अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, कितना खिला खिला बनाई है। देखिए चलिए, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।